नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 15वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में पहले दिन के दूसरे सत्र का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं का सिनेमा में योगदान के विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से आए अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी मेहमानों को बुक देकर उनका अभिवादन भी किया गया। इस कार्यक्रम में एक्टर और नेता डॉक्टर अमोल खोले, प्लेन पॉन्टेरी एम्बेसी ऑफ हंगरी डॉक्टर मारियन एर्डो, कल्चरल काउंसलर एम्बेसी ऑफ हंगरी जसविंदर गार्डनर, नीलम शर्मा, कंचन बोरा, प्रिया ढींगरा, सुभाष मल्होत्रा, दीपक सिंगल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कजाकिस्तान की फिल्म बलुआ शोलाक की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही संदीप मारवा को कजाकिस्तान अम्बेसडर की ओर से स्मृति भी भेंट की गई। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि हमें सीखना चाहिए कि महिलाओं की कैसे रिस्पेक्ट की जाए, उन्हें कैसे प्यार दिया जाए और उन्हें सही रास्ता दिया जाए। महिलाओं के बिना ये फिल्म इंडस्ट्री अधूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दो माँ है, एक मेरी बायोलॉजिकल माँ और दूसरी सिनेमा, इनकी इज्जत करनी चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। Trust me, no film festival is complete unless and until there is a film from Hungary. And that's the reason that this time also we made it a point that we must have a film from Hungary. And this time the film which we have selected is already been nominated 34 times in different festivals and 24 awards this film has already achieved. I'm so thankful to the people of Hungary because probably I'm the only Indian who has been honored 7 times in Budapest, in Hungary. Whenever I'm there actually to receive my one or other award from Hungary. We have a wonderful relation with Hungary as far as India and Hungary is concerned, and we have a superb relation as far as Marva Studio and Hungary is concerned. I'm lucky that I'm chairing Indo-Hungarian Film and Culture Forum in India, and we leave no stone unturned to see to it that Hungary should be a prominent country in all our cultural activities. Kazakhstan ki puri sarkar ko tahe dil se shukriya ada dena chahta hu ki unhone is festival में अपनी सबसे खूबसूरत फिल्म भेजी और अभी उसका हमने हाल ही में इनॉग्रेशन किया, फिल्म चल पड़ी है और लोगों ने बहुत उस फिल्म को सराहा है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस ऑन बिहाफ ऑफ द एम्बेसी ऑफ कजाकिस्तान हियर इन इंडिया द ग्रेट अप्रिशिएशन टू मिस्टर मारवा फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू शो आवर फिल्म हियर इन इंडिया एंड वी होप दैट दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स विल हेल्प अस टू डीपन आवर cultural bilateral ties. We created Indo-Kazakhstan Film and Culture Forum, and under this forum we are trying to promote art and culture of both the countries. Kazakhstan is a wonderful country, it's a beautiful country. We have an excellent relation with this country, one of the finest countries in Central Asia, and we have always believed that you can develop people to people relation only through art and culture, and probably that's the reason that we have invited film from Kazakhstan. वुमन इन सिनेमा के ऊपर आप देख ही रहे थे कि बेहतरीन कलाकार देश भर से और दुनिया भर से और खासतौर से मुंबई से बहुत सारे लोग मंच पर मौजूद थे एक साथ, और इसमें विदेशी महिलाएं भी थीं, स्लोवेनिया से, हंगरी से, रशिया से ये लोग यहाँ मौजूद थे, और सब ने अपने अपने विचार जो हैं वो वुमन और सिनेमा के ऊपर बताएं। ये बात तय है कि हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके अंदर हमने हमेशा औरत के आगे सर झुकाया है, चाहे वो परमात्मा के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, और शायद यही वजह रही है कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्में देश और विदेश में बेहतरीन काम करती हैं, एक जादू करती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माँ की इज्जत हमने अपने फिल्मों में दर्शाई है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीवार का डायलॉग दुनिया भर में मशहूर हुआ कि तेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, और मेरे पास माँ है। तो वो सोचिए कि वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करता है, हमारे कल्चर को दर्शाता है कि
कि हम लोग सारी दुनिया एक तरफ रख सकते हैं और हमारी माँ की जो इज्जत है वो एक तरफ है, और इसी तरीके से ये हमारे ये संस्कार लेकर हमारे बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो यहाँ एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हों, चाहे वो यहाँ पे 3 या 4 साल का कोर्स कर रहे हों, वो जब इन सारी तमाम बातों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सिनेमा के ज़रिए उसको देखते हैं, तो उनके अंदर ये नई भावनाएँ पैदा होती हैं और ये भावनाएँ लेकर वो अपना एक अच्छा कल्चर यहाँ से डेवलप करके बाहर निकलते हैं, और एक वजह ये भी है इसलिए शायद वो सक्सेसफुल भी होते हैं। मैं मारवा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतनी शानदार तरीके से इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का 15th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उन्होंने किया है। और दूसरी बात के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये इकलौती फिल्म मेकिंग की यूनिवर्सिटी है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है, और फिल्मों का बहुत अहम योगदान है देश के प्रति, समाज के प्रति, क्योंकि एक कल्चरल नरेटिव समाज के लिए और देश के लिए फिल्में बना सकती है, और इसी के साथ जो अपना इतिहास है, जो अपनी संस्कृति है, इसे देश के सामने, विश्व के सामने लाने का एक बहुत पावरफुल ज़रिया फिल्में हो सकती है, और इसके युवाओं को एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मारवा जी ने खोली है, ये बहुत ही काबिले तारीफ कदम उठाया है। First of all, after the pandemic, we are very happy to be present at the 15th festival, the Marva Studios, as a distinguished film. And it's also a proof that the Hungarian film industry is getting better and better, thanks to a lot of things. And it's becoming, you know, one of the main hub, at least in Europe, with the very world-class studios, you know, very professional crew. And we are more than happy that more and more Indian companies are choosing Hungary as a place of shooting for their films. Marva experience is always very hospitable and always amazing, and we are happy to communicate and find the ways we can be useful for each other. इस कार्यक्रम में सिनेफेस्टा पोस्टर भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम में एक्टर और राजनेता अमोल खोलके ने कहा कि सिनेमा अपने सपनों को पर्दे पर उतारना, अपनी भावनाओं का चित्रण करना होता है। इस कार्यक्रम में संदीप मारवा ने सभी गेस्ट को मोमेंटो देकर उनका सम्मान भी किया। कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2022 अवार्ड सेरेमनी भी की गई, जिसमें हिंदी सिनेमा के कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर अमोल कोले को हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2022 से सम्मानित किया गया। शुभ मल्होत्रा, जसविंदर गार्डनर को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अमोल कोले के सम्मान में अमोल कोले की फिल्म शिव प्रताप का ट्रेलर भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में सवाल जवाब का सेशन भी किया गया, जिसमें मारवा स्टूडियो के स्टूडेंट्स ने अपने चहेते एक्टर्स से सवाल पूछे और एक्टर्स ने उनका बखूबी जवाब दिया। मेहमानों को आर्ट गैलरी में सुंदर पेंटिंग और कलाकारी भी दिखाई गई और एग्जीबिशन दिखाया गया।